ओम शांति। 17 नवंबर 69 की अव्यक्तवाणी। फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियाँ। यह भट्टी में किस लिए आए हो? देह में रहते विदेही हो रहने के अभ्यास के लिए। जब से यहाँ पाँव रखते हो तब से ही यह स्थिति होनी चाहिए। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए अभ्यास और अटेंशन चाहिए। बाप दादा हर एक को नई बात के लिए ही बुलाते हैं। अधर कुमारों को विशेष इसलिए बुलाया है, पहले तो अपना जो गृहस्थ व्यवहार बनाया है उसमें जो उल्टी सीढ़ी चढ़ी है उस उल्टी सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए बुलाया है, और उल्टी सीढ़ी से उतार कर फिर किस में चढ़ाना है? अर्श से फर्श पर, फिर फर्श से अर्श पर। उल्टी सीढ़ी का कुछ न कुछ जो ज्ञान रहता है उस ज्ञान से अज्ञानी बनाने के लिए, और जो सत्य ज्ञान है उनकी पहचान देकर ज्ञान स्वरूप बनाने के लिए बुलाया है। पहले उतारना है फिर चढ़ाना है। जब तक पूरे उतरे नहीं हैं तो चढ़ भी नहीं सकते। सभी बातों में अपने को उतारने के लिए तैयार हो? कितनी बड़ी सीढ़ी से उतरना है? उल्टी सीढ़ी कितनी लंबी है? अभी तक जो पुरुषार्थ किया है उसमें समझते हो कि पूरे ही सीढ़ी उतरे है कि कुछ अभी तक उतर रहे हो? पूरी जब उतर जाएंगे तो फिर चढ़ने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन उतरते उतरते कहाँ न कहाँ ठहर जाते हो। तो अब समझा किस लक्ष्य से बुलाया है? 63 जन्मों में जो कुछ उल्टी सीढ़ी चढ़े हो वह पूरी ही उतरनी पड़े, फिर चढ़ना भी है। उतरना सहज है व चढ़ना सहज है? उतरना सहज है व उतरना भी मुश्किल है? अभी आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो वह उतर कर चढ़ने का कर रहे हो कि सिर्फ चढ़ने का कर रहे हो? कुछ मिटा रहे हो कुछ बना रहे हो? दोनों काम चलता है ना? आपको मालूम है लास्ट पौड़ी मतलब सीढ़ी कौन सी उतरनी है? इस देह के भान को छोड़ देना है। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हो तो कितना सहज उतारते हो, वैसे ही यह शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। किसको यह अभ्यास पूर्ण रीति से सीखना है? लेकिन कोई कोई का यह देह अभिमान क्यों नहीं टूटता है? यह देह का चोला क्यों सहज नहीं उतरता है? जिसका वस्त्र तंग टाइट होता है तो उतार नहीं सकते हैं। यह भी ऐसे ही है, कोई न कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है अर्थात तंग टाइट है तब उतरता नहीं है, नहीं तो उतारना चढ़ाना व यह देह रूपी वस्त्र छोड़ना और धारण करना बहुत सहज है। जैसे कि स्थूल वस्त्र उतारना और पहनना सहज होता है, तो यह देखना है कि यह देह रूपी वस्त्र किस संस्कार से लटका हुआ है। जब सभी संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए बाप दादा भी कई बार समझाते हैं कि सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे। अपने को टाइट करने से कार्य में भी टाइटनेस आ जाती है। वैसे तो जो इतने समय से पुरुषार्थ में चलने वाले हैं उन्हों को अब बहुत ही कर्तव्य में न्यारापन आना ही चाहिए। अभी इस भट्टी में जो भी टाइटनेस है वह भी, और जो कुछ उल्टी सीढ़ी की पौड़ियाँ रही हुई है वह उतारना भी और फिर लिफ्ट में चढ़ना भी। लेकिन
लिफ्ट में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिफ्ट में कौन बैठ सकेंगे? बाप के लिए सारी दुनिया में लायक बच्चे ही श्रेष्ठ सौगात हैं। तो लिफ्ट में चढ़ने के लिए बाप की गिफ्ट बनना और फिर जो कुछ है वह भी गिफ्ट में देना पड़ेगा। गिफ्ट देनी भी पड़ेगी और बाप की गिफ्ट बनना भी पड़ेगा, तब लिफ्ट में बैठ सकेंगे। समझा? अभी देखना है दोनों काम किए हैं, गिफ्ट भी दी है और गिफ्ट बने भी हैं। गिफ्ट को बहुत संभाला जाता है और गिफ्ट को शोकेस में सजा कर रखते हैं। जैसी जैसी गिफ्ट वैसी वैसी शोकेस में आगे आगे रखते हैं। आप सभी भी अपने को ऐसे गिफ्ट बनाओ जो लिफ्ट भी मिल जाए और इस सृष्टि के शोकेस में सभी से आगे आ जाओ। तो शोकेस में सभी से आगे रहने के लिए अधर कुमारों को दो विशेष बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। शोकेस में चीज़ रखी जाती है उसमें क्या विशेषता होती है? अट्रैक्टिव। एक तो पहले अपने को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा और दूसरा एक्टिव। यह दोनों विशेषताएं खास अधर कुमारों को अपने में भरनी है। ये दोनों गुण आ जाएंगे तो फिर और कुछ रहेगा नहीं। कहाँ कहाँ एक्टिव बनने में कमी देखने में आती है, तो इस भट्टी से विशेष कौन सी छाप लगा कर जाएंगे? यही दो शब्द सुनाया, अट्रैक्टिव और एक्टिव। अगर यह छाप लगा कर जाएंगे तो आपकी एक्टिविटी भी बदली होगी। जितनी जितनी यह छाप व ठप्पा पक्का लगा कर जाएंगे, उतनी एक्टिविटी भी पक्की और बदली हुई देखने में आएगी। अगर ठप्पा कुछ ढीला लगा कर जाएंगे तो फिर एक्टिविटी में चेंज नहीं देखने में आएगी। यह तो सुना था ना, भट्टी में आना अर्थात अपना रंग रूप दोनों बदलना है। भट्टी में जो चीज़ आती है उनकी जो बुराई होती है वह गल जाती है। जो असली रूप है, असली जो कर्तव्य है, वह यहाँ से लेकर के जाना। वह कौन सा रूप है, क्या बदलेंगे? अभी रंग बदलते रहते हैं, फिर एक ही रंग पक्का चढ़ जाएगा जिसके ऊपर और कोई रंग चढ़ नहीं सकता और जिस रंग कोई मिटा नहीं सके और न मिट सके, न और कोई रंग चढ़ सके। सभी बातों में एक्टिव होना है। जैसा समय जैसी सर्विस उसमें एवर रेडी। कोई भी कार्य आता है तो एक्टिव जो होता है उस कार्य को शीघ्र ही समझकर और सफलता को प्राप्त कर लेता है। जो एक्टिव नहीं होते हैं तो पहले कार्य को सोचते रहते हैं, सोचते सोचते समय भी गवाएंगे, सफलता नहीं होगी। एक्टिव अर्थात एवर रेडी, और वह हर कार्य को परख भी लेगा, उसमें जुट भी जाएगा और सफलता भी पा लेगा। तीनों बातें उसमें होंगी। जिसमें भारीपन होता है उनको एक्टिव नहीं कहा जाता। पुरुषार्थ में भारी, अपने संस्कारों में भारी, उनको एक्टिव नहीं कहा जाएगा। एक्टिव जो होगा वह एवर रेडी और इजी होगा। खुद इजी बनने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो पुरुषार्थ और सर्विस दोनों इजी नहीं होती। मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। सर्विस मुश्किल नहीं, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती है। पुरुषार्थ भी मुश्किल नहीं, अपनी कमजोरियां मुश्किल बना देती है। नहीं तो कोई को सहज कोई को मुश्किल क्यों भासता? अगर मुश्किल ही है तो सभी को सभी बातें मुश्किल हो, लेकिन वही बात कोई को मुश्किल कोई को सहज क्यों? अपनी ही कमजोरियां मुश्किलात के रूप में आती है, इसलिए यह दो बातें धारण करनी है। अट्रैक्टिव भी तब बन सकेंगे जब पहले अपने में विशेषताएं होंगी। आकर्षित बनने के लिए हर्षित भी रहना पड़ेगा। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ज्ञान को सुमिरन करके हर्षित होना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में झूमना। इसको कहा जाता है हर्षित।
हर्षित भी मन से और तन से दोनों से होता है। ऐसा जो हर्षित होता है वही आकर्षित होता है। प्रकृति और माया के अधीन न होकर दोनों को अधीन करना चाहिए। अधीन हो जाने के कारण अपना अधिकार खो लेते हैं, तो अधीन नहीं होना है, अधीन करना है, तब अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। और जितना अधिकार प्राप्त करेंगे उतना प्रकृति और लोगों द्वारा सत्कार होगा, तो सत्कार कराने लिए क्या करना पड़ेगा? अधीनपन छोड़कर अपना अधिकार रखो। अधिकार रखने से अधिकारी बनेंगे, लेकिन अधिकार छोड़ करके अधीन बन जाते हो, छोटी छोटी बातों के अधीन बन जाते हो, अपनी ही रचना के अधीन बन जाते हैं। लौकिक बच्चे तो भल हैं, लेकिन अपनी ही रचना अर्थात संकल्पों के अधीन हो जाते हो। जैसे लौकिक रचना से अधीन बनते हो, वैसे ही अब भी अपनी रचना संकल्पों के भी अधीन बन जाते हो, अपनी रचना कर्मेंद्रियों के भी अधीन बन जाते हो। अधीन बनने से ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार खो लेते हो ना, तो बच्चे बने और अधिकार हुआ, सर्वदा सुख शांति पवित्रता, यह जन्मसिद्ध अधिकार कहते हो ना। अपने आप से पूछो कि बच्चा बना और पवित्रता सुख शांति का अधिकार प्राप्त किया? अगर अधिकार छूट जाता है तो कोई बात के अधीन हो जाते हो। तो अब अधीनता को छोड़ो, अपने जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करो। अच्छा, अब शांति।